ना वेलकम बैक टू माय चैनल लता प्राइम ब्लॉग्स में आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है फ्रेंड्स सुबह के 6:30 बजे से, और ये देख रहे 6:30 बज गए हैं फ्रेंड्स। और आज है बुधवार, ये बुधवार का ब्लॉग है फ्रेंड्स। काफ़ी दिन से कोई मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड्स, इसी वजह से कोई ब्लॉग शूट नहीं कर रही थी मैं। और आज भी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और सुबह सुबह मुझे वैसे भी आज उसके साथ में मुझे हेडेक शुरू हो गया है, क्या करूँ, आप लोगों के लिए ब्लॉग शूट कर रही हूँ मैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स और ब्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक शेयर जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा तो वो आप सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलो मैं सबसे पहले बच्चों को उठाऊंगी और फिर मैं अपना बाकी काम करती हूँ, बच्चे भी अभी सोए हुए हैं फ्रेंड्स। चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ मैं सारा अपना घर का टूर करवा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए मैंने इधर में चाय भी बना ली, मेरी चाय बन गई है फ्रेंड्स। इधर में बच्चों का दूध भी गर्म करूँगी, अभी मैंने गर्म नहीं किया, निकाल के बाहर रख दिया है। और सबसे पहले मैं बच्चों को उठा देती हूँ, उसके बाद में फ्रेंड्स मैं चाय पीऊँगी। और मेरे घर का देखिए फ्रेंड्स अभी तो फैला हुआ है इसी तरह से, और इधर में देखो ये दोनों सोए हुए हैं, इधर में ही अनुषा सोई हुई है, मैं और अनुषा यहीं पे सोते हैं। और इधर में आयुष सोया हुआ है बेड पे, आयुष और आयुष के पापा सोते हैं दोनों, है ना। तो चलो मैं इनको उठा देती हूँ सबसे पहले। तो चलो फ्रेंड्स आप लोगों को बाहर का भी व्यू दिखा देती हूँ, काफ़ी दिन हो गए ना बाहर का, देखिए काफ़ी ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया है फ्रेंड्स, देखिए है ना, काफ़ी हरियाली भी हो रही है। और अब चलते हैं फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं। तो आ जाइए फ्रेंड्स, चाय मेरी तैयार है, तो आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स सुबह सुबह की चाय पीने के लिए। और इधर में अनुषा उठ गई है, आयुष अभी उठानी है फ्रेंड्स, तो मैं चलो बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ पहले, फिर आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। चाय वाय हो गई है और इधर में मैंने बच्चों के टिफ़िन के भी तैयारी कर ली है फ्रेंड्स। और टिफ़िन में मैं आज पोहा बना रही हूँ, और इधर में बच्चों का दूध भी गर्म हो गया है फ्रेंड्स। तब तक बच्चे तैयार होंगे तब तक मैं उनका पोहा बना लेती हूँ। और फिर ये सब करने के बाद में यानी कि फ्रेंड्स देखो, मेरे को कल भी मैंने घी नहीं बनाया मलाई से, क्योंकि कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं बनाया। तो आज मैं सारा काम ख़त्म करके मैं घी भी बनाऊंगी मलाई से। तो चलो फ्रेंड्स टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से मैं बना लेती हूँ। देखिए मेरे पोहा भी बनके रेडी हो गया है, और मैं बच्चों का टिफिन भी पैक कर देती हूँ। इधर में हमारी अनुषा तैयार होके आ गई है। हेलो, है ना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, है ना, ये तैयार हो गए, आयुष नहाने गया हुआ है, तो तब तक मैं इनका टिफिन पैक कर देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बच्चों का टिफिन भी डाल दिया मैंने, और इधर में पोहे हैं और इधर में नमकीन है। तो फ्रेंड्स मैं नमकीन अलग से डालती हूँ, क्योंकि फिर इसके ऊपर डालती हूँ मैं तो सेम जाती है, बेकार लगती है। तो जैसे ये खाएंगे वैसे डाल के खा लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं पैक कर देती हूँ बच्चों का टिफिन। बच्चों का हो गया है काम ख़त्म, और बच्चे भी रेडी हो गए हैं, और इधर में मैं घी भी बनाने की कर ली हूँ तैयारी फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह सुबह जो काम हो जाता है वो ही जाता है, सारा दिन फिर नहीं होता है। तो मैं इधर में घी भी बना लेती हूँ, और शायद बच्चों की बहन भी आ गई है फ्रेंड्स, अनुषा चली गई है, चली गई अनुषा। तो फ्रेंड्स बच्चे भी चले गए हैं, आ गई उनकी बहन, दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी पीछे इनकी बहन खड़ी हुई है, चले गए हैं दोनों बच्चे, और अब मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ फ्रेंड्स। दोनों चले गए हैं,
बच्चों के जाते ही फ्रेंड्स घर में हो जाती है, शांति हो जाती है। फिर सुबह से सर पचा के रख देते हैं, मेरा वैसे ही सर दर्द हो रहा है सुबह सुबह। और अब मैं अपना काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके फ्रेंड्स। देखिए मैंने सारा घी निकाल लिया है और 15 दिन की मलाई से इतना सारा घी निकल के रेडी हो गया है मेरा। और इसमें अभी फ्रेंड्स और है, इसमें घी तो मैं जैसे फेटूंगी इसमें घी और निकलेगा देखिए। और ये मैं बाद में निकाल लूँगी आराम से, कोई मिक्सी का यूज़ नहीं करती हूँ फ्रेंड्स, मैं हाथ से ही निकालती हूँ देखो इस तरह से फेंटने से फेंट करके। और बिल्कुल आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है फ्रेंड्स। और इधर में देखिए मेरे बर्तनों का कितना ढेर लगा हुआ है, तो सबसे पहले मैं बर्तन क्लीन करूँगी, उसके बाद में घर की क्लीनिंग करूँगी। और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से फ्रेंड्स नहाने धोने के बाद में। प्लीज़ आप तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। फाइनली फ्रेंड्स मेरा नहाना धोना सब हो गया और पूजा भी हो गई है मैंने नहाते के साथ में। फ्रेंड्स मैं आ गई थी किचन में और इधर मेरा खाना भी बन गया है फ्रेंड्स, और रोटियाँ बन गई है गरम गरम। और अभी मैं खाना वाना खा पी के फ्रेंड्स घी को गर्म करूंगी, जो सुबह मैंने मलाई से घी बनाया था अभी मैंने फिलहाल उसको फ्रिज में रख दिया है। और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 12:30 बज चुके हैं, हमारा लंच का टाइम भी हो गया है। तो चलो फ्रेंड्स मैं खाना वाना खा लेती हूँ और फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा, बच्चे भी आने वाले स्कूल से, तो मैं खाना खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स डाल लिया मैंने अपने लिए खाना, तो आ जाइए फ्रेंड्स आप लोग भी खाना खाने के लिए। और 1:15 बज चुका है फ्रेंड्स और बच्चों का भी टाइम होने वाला है, लाइट जला देती हूँ क्योंकि हॉल में लाइट बंद रखती हूँ दिन में। तो फ्रेंड्स खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ में खाना खाने के लिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मेरा खाना पीना हो गया है और बच्चों का भी टाइम हो गया है, शायद बच्चे भी आ चुके हैं फ्रेंड्स, देखती हूँ अभी उनके बहन की आवाज़ आई है मुझे, तो शायद आ गए हैं बच्चे भी, आ गए हैं, बेल बज गई है, तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ फ्रेंड्स। और आ गए ये दोनों, आ गए हैं, आ गई हमारे अनुषा भी, इनका अब जल्दी हो जाती है छुट्टी, 1:15 बजे आ गए हैं घर पे ये, ये देखो थक गए हैं। तो फ्रेंड्स कल से है ना बच्चे डरे हुए हैं कल यानी कि अनहोनी होते होते रह गई फ्रेंड्स, कल तो कसम से मैं मरी जाती, कल तो मेरे साथ ही होना था जो भी होना था, है ना। बच्चे भी डरे हुए हैं कल से, तो क्यों डरे हुए हैं फ्रेंड्स मैं बताती हूँ आप लोगों को। कल हमारे ही यानी कि मेन गेट पे फ्रेंड्स सांप आ गया था, है ना, उसी से है ना काफी डरे हुए हैं। और कल से दिमाग से निकल ही नहीं रही है, हमारे तीनों के दिमाग से तो ये बात ही नहीं निकल रही है ना। और मेरे तो कल से सर में और दर्द हो रहा है सुबह उठी हूँ जब से, है ना, ये दोनों ही थे, हम तीनों ही थे फ्रेंड्स, और मेरे पैरों के अंदर ही सांप आ गया था, पता ही नहीं लगा मुझे। और चलो कोई नहीं, आप लोगों की दुआ थी, प्यार सपोर्ट था और भगवान का आशीर्वाद था, तो कुछ हुआ नहीं फ्रेंड्स, अनहोनी होने से बच गई। और अभी आ गए फ्रेंड्स, बच्चे भी आ गए, तो मैं अभी इनको भी खाना वगैरह खिला देती हूँ। ओके फ्रेंड्स, फिर मैं किचन की क्लीनिंग वगैरह करूँगी और घी को भी गर्म करूँगी फ्रेंड्स। कल से पता है मेरी तबीयत ठीक भी हो गई थी, पर कल से जब से उस सांप को देखा है ना फ्रेंड्स, और वो भी इतना नज़दीक से देखा है मैंने कि मेरे पैरों में ही था, शायद अगर मुझे काट लेता तो कल क्या होता, किसी को नहीं पता है क्या होता कल, शायद मैं आप लोगों के सामने होती नहीं होती मुझे तो खुद को डर लग रहा है, पहली बार इतनी नज़दीक से देखा था ना मैंने, तो आंखों के आगे से सांप की वो झलक है ना हट नहीं रही है मेरी आंखों के आगे से। तो चलो फ्रेंड्स अब क्या करें, पर जो भी था भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, तो भगवान ने अनहोनी जो होनी थी उसे बचाया है। तो चलो फ्रेंड्स अब मैं बच्चों को खाना डाल देती हूँ, और घी रखा है मेरा फ्रिज में उसको भी मैं गरम कर लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने निकाल लिया है फ्रिज से घी, निकाले देखिए जम गया है काफ़ी, और मैं इधर में अब गैस ऑन कर देती हूँ और इसको गरम कर लेती हूँ फ्रेंड्स।
और ये गर्म होगा तब तक मैं करूंगी बर्तन क्लीन। फाइनली सारे बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं और स्लेब भी मैंने क्लीन कर दिए फ्रेंड्स देखिए, और गैस भी पूरा साफ़ कर दिया है और गैस पे मैंने घी गर्म होने के लिए भी चढ़ा दिया है फ्रेंड्स देखिए। उबलने लगा है हमारा घी और इसको उबलने देती हूँ और मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। सोऊंगी नहीं फ्रेंड्स क्योंकि मेरा घी गैस पर चढ़ा हुआ है ना, सोऊंगी नहीं क्योंकि मुझे हेडक, सुबह से हेडक ठीक नहीं हो रहा है मेरा, तो मैं थोड़ा सा आराम से बैठ जाती हूँ और इसको गर्म होने देती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से और दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड 15 दिन में कितना घी निकल के रेडी हुआ है और बिल्कुल घर का शुद्ध और बिल्कुल साफ़ सुथरा घी बन के रेडी होगा हमारा, तो बने रहिएगा आप ब्लॉग में, मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी देर बाद। फाइनली फ्रेंड्स देखिए हमारा घी भी बन के रेडी हो गया है और मैं जब तक ये किचन को क्लीन वगैरह की थी तो मैं चढ़ा दी थी गैस पर गर्म होने के लिए और मैं थोड़ा सा बाहर अपना और जो काम था वो भी कर चुकी हूँ मैं, और इधर में मेरा सारा घी भी बनके रेडी हो गया है। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 3:30 बज चुके हैं और ये देखें अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी फ्रेंड्स और फिर इसको छलनी से छान के और फिर डिब्बे में भर के रख देंगे, स्टोर करके रख देती हूँ मैं और जैसे जैसे काम आता है वैसे वैसे मैं यूज़ करती रहती हूँ। और ऐसे ही मैं 15-20 दिन की मलाई इकट्ठी करके घी बना लेती हूँ और यानी मार्केट से हम घी लाते ही नहीं है फ्रेंड्स, दूध से इसी तरह से मैं घी बनाती हूँ। तो आप लोग भी मलाई को फेंकिए मत, इसी तरह से यूज़ कीजिए और घी बनाइए। और अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ फ्रेंड्स, गैस बंद कर दी है मैंने और अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ ओके फ्रेंड्स। और अभी जब ये ठंडा हो जाएगा और फिर मैं डब्बे में डाल के आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितना घी मैंने बनाया है आज। फ्रेंड्स देखिए घी भी ठंडा हो गया है और देखिए कितना सारा घी निकल के मेरा रेडी हुआ है 15 दिन की मलाई में। और अब मैं फ्रेंड्स इसको छान के और केटली में डाल के रख दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरे पास में केटली, इसमें पहले से भी घी रखा हो, थोड़ा ही बचा था मेरे पास में और आज मैंने घी निकाले तो मैं इसी में डाल के रख दूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि फिर हर सारे बर्तनों को नहीं मैं गंदा करूंगी, मैं एक ही में डाल के रख देती हूँ, इसी में से निकाल लेती हूँ, फिर कम होता तो मैं इसी में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो चलो मैं इसी में डाल देती हूँ घी को। फ्रेंड्स मैंने सारा घी छान के केटली में डाल लिया है, देखिए इतना सारा घी इकट्ठा हो गया है और ये 15 दिन की मलाई का घी है फ्रेंड्स। और जब तक अब दोबारा 15 दिन की मलाई इकट्ठी होगी तब तक हम इसी घी को यूज करेंगे और अब इसको मैं ढक के और रख दूंगी फ्रेंड्स। और इधर में मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई है, तो आ जाइए फ्रेंड्स इवनिंग चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है, शाम के बज चुके हैं 5:30 बज चुके हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं फ्रेंड्स और मैं बिल्कुल नहीं सोई हूँ क्योंकि मुझे तो कल रात से नींद ही नहीं आ रही है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को तो पता है कल मेरे साथ क्या हुआ है, तो क्योंकि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको ब्लॉग में ही। और फ्रेंड्स क्योंकि कल जब से मैंने वो सांप देखा है ना और इतना नज़दीक से कि मेरे पैरों के बीच में ही पड़ा हुआ था सांप, तब से मुझे है ना अजीब सा हो रहा है और फीवर मेरा ठीक हो गया था पर आज वापस से मुझे फीवर आ गया है, पता नहीं क्या क्या वो होता, पर शुक्र बनाओ कि भगवान ने मुझे ऐसा कुछ होने नहीं दिया। होने को तो फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता था, यानी कि कुछ भी हो सकता था कल, अगर मानव सपोज करो यदि सांप ने मुझे काट लिया होता तो क्या होता, और घर में मेरे घर में कोई भी नहीं था फ्रेंड्स कि मुझे कोई कहीं लेके जाता, मेरे बच्चे थे, बच्चे भी डरे हुए हैं कल से, यानी कि गेट को भी हाथ नहीं लगा रहे कल से बच्चे, है ना, तो क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। पर ये है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बलवान होता है, पर भगवान ने अनहोनी होने से रोक दी फ्रेंड्स काफ़ी, यानी कि भगवान कहते हैं ना सभी लोग यानी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यानी कि कुछ नहीं हुआ, जो होना था वो हो गया फ्रेंड्स, बुरा समय था वो टल गया मेरा और काफ़ी, पर कि अब इसको भूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा
और अब मैं ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा ब्लॉग भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना फ्रेंड्स, क्योंकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।